अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइसेस एंड स्लाइसेस। आज हम बनाने वाले हैं सबका फेवरेट नाश्ता माश के वड़े, और उसके साथ बनने वाली है यमी सी टेस्टी सी खोपरे की चटनी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल। इस दाल को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इसे ओवरनाइट सोक कर लिया है, या फिर आप मैक्सिमम इसे 8 घंटे तो सोक करें। 6 से 8 घंटे हमारी दाल भीगने के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारी दाल काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे मिक्सी में चला लेंगे। मैंने यहाँ पर दाल में से सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी में चलाते वक्त टेबलस्पून के हिसाब से पानी ऐड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा। हमें एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। क्रिस्पी वड़े बनाने के लिए टिप नंबर 1, हमें हमारे बैटर को बिल्कुल ही बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रखना है। टिप नंबर 2, हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है दाल में। दाल को मिक्सी में चलाते वक्त ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है, हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारा बैटर दरदरा है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून काले मिर्च, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च चॉप किए हुए, आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इन सब के साथ मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर रेडी है वड़ों का, और ये मैंने यहाँ पर साइड में तेल गरम होने रख दिया था एक कढ़ाई में। क्रिस्पी वड़ों के लिए टिप नंबर 3, जब आप वड़े फ्राई करना स्टार्ट करें तो आपका तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वड़े को शेप करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट, आप चाहे तो दूध का पैकेट भी ले सकते हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद हम हमारे फिंगर को पानी में डिप करके इसमें एक होल बनाएंगे। हमारा वड़े का शेप रेडी हो जाएगा। ऐसे वड़े का शेप बनने के बाद हम हमारे हाथ को थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारे वड़े हम तेल में आसानी से छोड़ सकें। इसी टेक्निक से हम बाकी के सारे वड़े तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वड़े हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम हमारे फ्लेम को मीडियम हाई कर लेते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे। इसे हम अभी इस पॉइंट पर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तब तक चलते हैं हमारी चटनी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप कच्चा नारियल खोपरा, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2-4 पुदीने के पत्ते, यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तेज़ नहीं खाते तो 1 हरी मिर्च भी काफ़ी है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, या फिर आप चाहे तो 2-3 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून दही, आप चाहे तो इमली की 1-2 छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं दही की जगह पर। अब हम इन सबको थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे। लीजिए, हमारी चटनी भी तैयार है। अब हम इस चटनी पे तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से राई के दाने और थोड़े से कड़ी पत्ता का तड़का तैयार करके इस पे ऐड कर लिया है। लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता, हमारी खोपरे की चटनी और गर्म गर्म वड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वड़े काफ़ी अच्छे से क्रिस्प हुए हैं और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इंशाल्लाह जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।